Hello dear students, today we are going to start math subject of class 6. For watching this video, you have to open your book and listen to me carefully. So let's continue. So dear students, as we know that in my previous video, we were studying about exercise number 7.3 in which we have completed 4 questions and today we will start question number 5 of this exercise. So let's start. So student, as look in my notebook, I have already written question number 5 of exercise 7.3. So student, question number 5 is subtract the sum of 5200 and minus 2350 from minus 860. तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, हमें इन दोनों का सम सब्ट्रैक्ट करना है, किसमें से, माइनस 860 में से. तो बच्चों कैसे हैं, बच्चों इसको यहाँ पर दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम पहले इस दोनों का सम निकाल लें और इसके सम को हम माइनस 860 में से माइनस कर दें, या फिर हम इसको एक ही साथ अरेंज कर लें जिससे हमारा आंसर एक ही बार में आ जाएगा. तो यहाँ पर मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ. जैसे बच्चों हमें माइनस 860 में से माइनस करना है. क्या माइनस करना है, इन दोनों का सम, ठीक है ना. तो इन दोनों का सम कैसे आएगा, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा, क्या करूँगा, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तभी तो इनका सम आएगा, ठीक है, तभी तो इनका सम आएगा. तो मैंने इस तरह से इनको राइट कर लिया है, यानी मैंने अरेंज किया है माइनस 860 माइनस इन दोनों का सम, ठीक. अब मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ. तो माइनस 860 माइनस ब्रैकेट है 5200 प्लस माइनस माइनस हो गया 2350 और ये फिर स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गया है. माइनस 860 अब बच्चों माइनस यहाँ पर है ऑलरेडी. अब बच्चे यहाँ पर देखो क्या होगा, यानी 5200 में से 2350 माइनस होगा, ठीक है. तो 10 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा. यहाँ होगा 10 में से 5 के बचे 5, यहाँ बचा 1, तो 11 में से 3 गए कितने बचे, तो बचे 8. और यहाँ पर क्या बचा बच्चों, 4 में से 2 के बचे 2, ठीक. तो बच्चों हमारे पास आया 2850 और ये माइनस ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ था. अब बच्चों दोनों किसके हैं, दोनों माइनस के हैं. तो माइनस माइनस वाले क्या होते हैं, ऐड होते हैं और माइनस में ही लिखे जाते हैं. तो ऐड कर लो 0 0 0 एंड 65 कितनों का 11, 11 का 1 कैरी, 8 और 8 16 और 1 17 का 7 कैरी और 2 1 3 यानी माइनस 3710 ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है स्टूडेंट. एनी प्रॉब्लम, आगे चलते हैं. आगे क्वेश्चन नंबर हमें दिया है 6 फ्रॉम द सम ऑफ 243 एंड माइनस 173 सब्ट्रैक्ट माइनस 286. तो कह रहा है फ्रॉम द सम ऑफ, यानी इन दोनों के सम में से सब्ट्रैक्ट करो, किसको सब्ट्रैक्ट करो, माइनस 286 को. तो बच्चे इस बार हम इन दोनों का सम फाइंड करेंगे, उसमें से इसको माइनस कर देंगे. तो कैसे करेंगे देखो. तो बच्चों मैं इसको भी एक ही बार अरेंज कर लेता हूँ, कैसे अरेंज करेंगे देखेंगे. हमें 243 और माइनस 137 के सम में से माइनस करना है, किसको माइनस करना है, माइनस 286 को. बच्चों मैंने यहाँ माइनस क्यों लगाया, ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाद माइनस क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस में और ये माइनस हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए आया. समझ में आ गया सभी को. अब यहाँ सोल्व कर लेंगे, तो पहले ये ब्रैकेट सोल्व करेंगे. तो इज इक्वल टू 243 प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे 137, ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 286. अब बच्चों इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये बड़ी संख्या है, छोटी संख्या माइनस होगी तो प्लस में ही आएगा. तो 13 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने बचेंगे बच्चों, 13 माइनस 7 हो जाएंगे 6, कितना हो जाएंगे 6. तो 6 यहाँ राइट कर देते हैं. उसके बाद बच्चों यहाँ क्या बचा, 3, तो 3 में से 3 गए 0 एंड यहाँ 2 में से बन गए 1, तो 106 आया. फिर प्लस क्या है, 286, इसको ऐड कर देंगे. 6 और 6 12 का 2 1 कैरी हो जाएगा, 808 होते और 1 9 2 1 3, तो आंसर आएगा 392. ये हो गया हमारा आंसर, बहुत इजी था. आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्वेश्चन नंबर 7 दिया है. The sum of two integers is 246. If one of the integers is minus 128, determine the other.
बच्चे कह रहा है कि दो इंटीजर का जो सम है वो 246 है, उनमें से एक इंटीजर माइनस 128 है, तो दूसरे का पता लगाइए। तो कैसे करेंगे? तो जो हमें पता है ये सम है, ये एक संख्या है, दूसरी संख्या निकालनी है, तो हम सम में से अगर एक संख्या को माइनस करेंगे तो दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी, बहुत ईजी है। तो यहाँ पर देखें सोल्यूशन इसका, तो जो हमें दिया है सोल्यूशन, सोल्यूशन में हमें दिया है सम ऑफ टू इंटीजर, ठीक है, हमें दो इंटीजर्स का सम दिया है इज इक्वल टू कितना दिया है 246, और हमें वन इंटीजर हमें दिया है जो माइनस 128, अदर फाइंड करना, दूसरा फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर लो, तो अदर इंटीजर अगर हम निकालेंगे, अदर इंटीजर, तो क्या हो जाएगा 246 में से माइनस हो जाएगा माइनस 128, क्योंकि ऑलरेडी माइनस में, तो ब्रैकेट में लिखा हमने 246 माइनस माइनस प्लस 128, ऐड हो जाएगा आप 8 कितना हो गए 14 का 4 बन कैरी, 2 and 4 6 and 1 7, 2 1 3, यानी आंसर आएगा 374, इट इज आवर आंसर, इट इज द अदर नंबर। सो माइनस 128 एंड 374 का जो सम होगा वो 246 होगा, क्लियर। आगे चलते हैं, आगे बच्चों हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 8 है, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज माइनस 284, वन ऑफ द इंटीजर इज, तो ये भी ऐसे ही दिया है, ठीक है, सेम है क्वेश्चन। अब आगे क्वेश्चन नंबर 9 एवल्यूट, यानी सरल कीजिए, जैसे यहाँ पर मैं सेकंड वाला करके दिखा देता हूँ, बहुत ईजी है, ठीक है। तो यहाँ पर 9 का सेकंड में कर रहा हूँ, देखेंगे तो 9 का सेकंड है बच्चों माइनस 24 माइनस 20 प्लस 35 माइनस माइनस 35 प्लस 21 प्लस 24 माइनस माइनस 27 माइनस 21 माइनस 14 प्लस 34, ठीक है। देखने में लेंथी लग रहा है लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बच्चों क्या करना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, ठीक है ना, हमें इसको सॉल्व करना है, आंसर निकालना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए माइनस 24 ऐसे ही, माइनस 20 ऐसे ही, प्लस 35 ऐसे ही, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 35 प्लस 21 प्लस 24 माइनस माइनस प्लस 27 माइनस 21 माइनस 14 और प्लस 34, ये हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे प्लस प्लस वाले कौन से, तो बच्चे को ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है और ये प्लस का है, यही तो प्लस के हैं, इनको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ऐड कर लेते हैं, तो बच्चो 35 35, 21 27 और 34 को ऐड करने पर क्या आएगा 176, तो ये हमने ऐड कर लिए। अब बच्चों माइनस वाले कौन कौन से हैं, ये माइनस का है, ये माइनस का है, ठीक है ना, और ये माइनस का, तो इनको हम ऐड कर लेंगे बच्चों। तो 24 और 20 कितना हो गए बच्चों, ये हो गए हमारे 44, ठीक है ना, 44 और 21 कितना हो गए हैं, तो 44 और 21 आपके हो जाएंगे यानी 63 और 14 कितना हो जाएंगे, सोचो, माइनस 24 माइनस 20 तो हमारे 44 हो गए, 44 और 21 हो गए हमारे 65 और 14 हो गए हमारे 79, तो आएगा माइनस 79, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक कर लेंगे, तो 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, तो 16 में से 9 सब्ट्रैक कर देते हैं तो बचेगा 7, और यहाँ क्या बचा 6, तो कैरी कर लो, तो यहाँ पर हो गया 16 में 7 के बचे 9, ठीक है, हमारे पास बच्चों आंसर आया 97, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ओके। अब बच्चों आता है क्वेश्चन नंबर 10 जो है कैलकुलेट। अब यहाँ पर देखे बच्चों तो क्या करेंगे, बच्चों हमें दिया है 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6 प्लस, ठीक है, डॉट 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 प्लस 15 माइनस 16, यहाँ तक दिया है। तो बच्चों हमें इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है, हमें पता लगाना है कि इसका आंसर क्या आएगा, क्या सरल करके क्या आना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर बच्चों 1 माइनस 2, तो 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों आएगा -1 प्लस 3 माइनस 4 हो गया, 3 माइनस 4 यानी 3 में से क्रॉस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 आएगा। उसी प्रकार 5 में 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा -1, और उसी प्रकार 6 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि 6 माइनस 7 यानी 7 माइनस क्या होगा 7 माइनस 8 होगा ना, तो 7 माइनस 8 क्या आएगा -1, ठीक है। अब 8 माइनस 9 हो जाएगा, अभी तो क्या आया था यहाँ पर बच्चों 5 यानी 7 माइनस 8 आया था,
अब आएगा 9 माइनस 10, तो 9 माइनस 10 क्या होगा बच्चों, -1 होगा। इसके बाद बच्चों आएगा 11 माइनस 12, 11 माइनस 12 क्या होगा, -1 होगा। उसके बाद क्या आएगा बच्चों, 13 माइनस 14, 13 माइनस 14 क्या होगा, -1 होगा। उसके बाद 15 माइनस 16 है ही, तो ये क्या आएगा, -1। अब इसको सोल्व कर लो, तो -1 +-1 -1 +-1 +-1 -1 +-1 -1 +-1 -1 +-1 -1 +-1 -1। अब कितने यहाँ पर माइनस आपको दिखा, कितने बन यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिखाई दे रहे हैं, 8 किसमें है, माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, 5 ± 5 ± 5 ± 5 ± 5 ± 5 ± 5 ± 5 ± 5 ± 5 ± 5 ± 5 ± 5 ± 5 ± 5 ± 5 † 10 टर्म्स। ठीक है, 10 टर्म्स तक दिया है। तो बच्चे एक बार बताइए, देखिए 5 जब इसको सोल्व करेंगे, 5 ± -5 यानी 5 - 5 हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा। ऐसे यहाँ पर होगा 5 - 5 0 हो जाएगा ना, जब इसको सोल्व करेंगे बच्चों हमारा आंसर 0 ही आएगा। क्या आएगा, 0। आगे देखो, थर्ड हमें दिया है 3 ± 3 ± 3 ± 3 † 100 टर्म्स। कहाँ तक, 100 टर्म्स तक जाना है हमको। तो बच्चे एक होती है, 100 टर्म्स तक हम कहाँ तक सोल्व करेंगे, ठीक है। हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करना है, जैसे हमें पता है इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होएगा और 3 - 3 0 हो जाएगा, सेम फर्स्ट की तरह ही है। इसको सोल्व करेंगे 0 आएगा, इसको सोल्व करेंगे 0, तो बच्चों ऐसे ही पेयर बनेंगे, ठीक है। तो 0 0 0 करके आएगा और ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो इसका आंसर क्या है, 0, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन थे। तो आज बच्चों हमने एक्सरसाइज 7.3 वो कंप्लीट कर ली है पूरी अच्छे से। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। जब तक के लिए थैंक यू, कंटिन्यू योर वर्क।